नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान जिले के नौतन थाना इलाके के खलवा गांव के रहने वाले नीरज कुमार राय और खलवा पंचायत के मुखिया अमित कुमार उर्फ पिंटू सिंह ने सिवान के पुलिस अधीक्षक को नौतन के थानाध्यक्ष के खिलाफ एक आवेदन दिया है और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि हम लोगों को धमकी दी गई है। दो लोगों का नाम उन्होंने लिया है, बंटी सिंह और चिकू सिंह, और उन लोगों ने कहा है कि धमकी दी जा रही है जान से मारने की। और इस मामले को लेकर के हम लोग जब नौतन थाना में FIR अपना करने के लिए आवेदन दिए हैं तो सिर्फ हम लोगों को दोहराया जा रहा है और FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। और इसके एवज में, यानी कि FIR एवज करने के एवज में 20,20,000 रुपये की डिमांड भी की जा रही है। दरअसल आपको बताते चले कि नीरज कुमार राय के यहाँ एक घटना घटित हुई थी और उस मामले में नीरज कुमार राय ने थाने में, नौतन थाने में मामला दर्ज करवाया था और उस FIR को उठाने के लिए इनको धमकी दी जा रही है, जैसा कि इनका आरोप है। और उसी धमकी को लेकर के ये लोग जब FIR कराने के लिए नौतन थाना में पहुँचे तो वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं उनके द्वारा FIR नहीं किया जा रहा है। और इसी को लेकर के आज SP के पास ये लोग पहुँचे हुए थे, SP अमितेश कुमार से मिले और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इन्होंने वहाँ पर आवेदन दिया है। तो सीधे तौर पर आइए ले चलते हैं और सुनते हैं कि जो मुखिया है पिंटू सिंह, उनका और नीरज कुमार राय, जिन लोगों के द्वारा आवेदन आज सिवान के SP को दिया गया है, क्या कुछ आरोप है थाना प्रभारी के ऊपर और इनका क्या कुछ कहना है और सिवान SP ने क्या कुछ इन्हें आश्वासन दिया। ATN लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार, सिवान। आप बताइए मुखिया जी, पूरा मामला क्या है जो आज आप लोग SP से मिले हैं? मामला ये 1.5 महीना पहले का है। अपराध कर्मी जिसका नौतन थाना में एक्साइज के मामले में 6-7 केस दर्ज है, दिल्ली में उसका केस दर्ज है, उसको थाना प्रभारी महोदय का संरक्षण प्राप्त है और वो थाना के सब पर धमकी देते रह रहे। इवन मुझे भी धमकी दिया, मेरे पे तो पिस्टल भी टाना। और मेरा जब FIR 45 दिन के बाद दर्ज होता है तो आम नागरिक को कौन पूछेगा? मैंने उनको व्हाट्सएप पर लिखा है कि नौतन थाने क्षेत्र में अगर आपको रहना है तो आपको शराब माफिया होना चाहिए। पूरे 3 साल में मैं 10 बार थाने पे गया हूँ। किनके बारे में आपने लिखा है व्हाट्सएप पे? थाना प्रभारी उमेश पासवान जी के बारे में। ऐसा क्यों आपने लिखा है? जब एक मुखिया का कंप्लेन उन्होंने 45 दिन बाद दर्ज किया तो आम नागरिक का तो करते भी नहीं होंगे। और इसके बाद उनका जो है रवैया यह है कि हम बुलवा देते हैं, कर देते हैं, वो क्या है? इसका मतलब कि बोलते हैं कि बुलवा दे रहे, इसका मतलब कि अपराधियों से साठगांठ है, बात हो रही है उनकी, तो कहाँ है हमारी भतीजी, कहाँ है हमारी बहन? वो अपराध कर्मी 2-2, 3-3 लड़कियों को लेकर भागा हुआ है, कल को कहीं उसका किडनी बेच दे, उसको बेच दे, कौन होगा जिम्मेवार? क्या उमेश पासवान जो थाना प्रभारी है वो एक लड़की की रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं? उनका आदत हो गया है पूरे थाने क्षेत्र में दारू पे कब्जा करो और दारूबाजों से पैसा लो। उनके आने के बाद से इतनी मर्डर हो गई, हत्या हो गई, कोई उनका रुख नहीं है उस पर। क्या उसमें है? उसको दुर्घटना बताते हैं, दूसरे दिन बोलते हैं कि मर्डर हो गया। उनके पास इन्फॉर्मेशन है, उनके पास इतना हैंड्स है, काबिल ऑफिसर्स उनके साथ में हैं, सबको पंगु बनाकर रख दिया उन्होंने। नौतन थाना में पिछले साल भी यही हाल था, एक दारूबाज के खिलाफ में सरकारी संपत्ति चोरी करने का आरोप दर्ज कराने में मुझे पूरे पैरवी लगा देनी पड़ी और जो IO है धीरज कुमार, आज तक ले उसके खिलाफ में एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसके साथ गाड़ी में बैठ कर दारू का लाइनअप करता था। तो नौतन थाना में अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको सबसे पहले दारूबाज होना चाहिए, दारू बेचने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, एकदम थाना प्रभारी का लाइसेंस। बिहार में तो एक्साइज फ्री है, क्लोज है, तो थाना प्रभारी का अगर आपको लाइसेंस मिल गया कि आप दारू का धंधा कर सकते हैं तो वहाँ के आप राजा हैं। थाना में कैमरा लगा है तो घर पर बैठ के लगता है, वो बताएं कि क्यों नहीं हुआ। मेरे पे तो दोबारा हमला हुआ है तब FIR दर्ज किया और सघन मामले में मामूली धारा लगाते हैं कि उसको बेनिफिट मिले, नोटिसेबल एक्ट लगाते हैं। और हम लोग बाहर थे, स्टेट से बाहर थे, तो हम लोग वो धारा लगाते हैं जिसमें डायरेक्ट गिरफ्तार कर लें, तो ऐसा होगा नहीं। न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। और अभी पुलिस अधीक्षक से आप लोग मिले हैं, उन्होंने क्या कुछ आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनके खिलाफ जांच करेंगे और एकदम कानून संगत उनकी कार्रवाई होगी, अगर उसमें उनकी संतृप्तता है तो उनके उन पर कानून संगत कार्रवाई होगी। और हम लोग वेट कर रहे हैं जब साहब का जांच पूरी हो जाएगी
और इस दौरान में हम लोग पहले उनको हम लोगों ने थाना प्रभारी को सूचित करके माननीय एसपी साहब से मिले कि क्योंकि उनका रवैया तो बहुत ख़राब है थाना। लड़की की बरामदगी नहीं हो सकी है। लड़की जहाँ पर है और जहाँ रखे हैं वो थाना प्रभारी को मालूम है, थाना प्रभारी के नॉलेज में है वो, तो हम लोग जाते हैं बोलते हैं कि दो दिन में बुलवा दे रहे हैं, इसका मतलब उससे सांठगांठ है वहाँ का। हाँ, उसके घर में थाना प्रभारी के संरक्षण में वो अपने घर में अपराधी अपने बुलेट को जलाता है, 21 तारीख को जलाता है और 25 तारीख को आवेदन लेते हैं उसके बाबा के नाम से। जो आदमी मोतिहारी में रह रहा है वो यहाँ पर फर्जी साइन पे लेते हैं क्योंकि हम लोग थाना नहीं जा पाए, उनके खिलाफ ना बोल पाए, ये तो हाल है। 3 साल में जितना बढ़िया थाना चला था उसको एक भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट थाना प्रभारी ने बर्बाद करके थाने को रख दिया है। अपना नाम बता। अमित सिंह, ग्राम पंचायत राज का मैं मुखिया हूँ और जिला मुखिया संघ का मैं अध्यक्ष महासचिव हूँ। क्या है और आप एसपी से मिलने के लिए किस लिए गए हुए थे? नौतन थाना अध्यक्ष के खिलाफ में आवेदन दर्ज करने के लिए 2000 रुपये का डिमांड किए हैं वो। 22/10 को हम लोग आवेदन दिए अपराधकर्मी बंटी सिंह और चिकू सिंह के खिलाफ, कि हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से कॉल आया और हमको 3 दिन में मारने का धमकी दिया गया। उसमें हम लोग 22 तारीख को 8 बजे थाने पर आवेदन दिए, थानाध्यक्ष ने बोले कि 2 दिन बाद आइए आवेदन रजिस्टर्ड कर देंगे। ऐसे करते करते डेली जाते हैं हम लोग, 2-4 दिन का समय लेते हैं। आज 36 दिन हो गया आज तक आवेदन दर्ज नहीं किए। 25 तारीख को शाम में हम गए थाना पे, उसके बाद वो अपने रूम पर लेकर गए, हमको चाय पिलाए थानाध्यक्ष महोदय उमेश पासवान जी। उसके बाद बोले कि नया आवेदन दो और 20,000 रुपया दो, खर्चा लगता है तब आवेदन रजिस्टर्ड होगा। हमने कहा कि हम खर्चा नहीं देंगे, हम जाके मिलेंगे एसपी साहब से। तो थानाध्यक्ष महोदय ने बोला कि हम किसी के कृपा से नहीं हैं यहाँ, तुमको जहाँ जाना है जाओ। ठीक है, हम मिलते हैं साहब से जाके। तो वहीं आज माननीय एसपी साहब से मिले जाके, सर ने आश्वासन दिया कि जांच करेंगे और कानूनी कार्रवाई जो होगा जो उनके खिलाफ करेंगे हम। तो ये जो धमकी आपको मिली है ये कौन लोग हैं और क्यों आपको धमकी दिया? ये शराब माफिया है नौतन थाना का, बंटी सिंह उर्फ और एक ठो है जिसका नाम चीकू सिंह है, खलवा के ही है। तो आपको क्यों धमकी आपने दिया? क्या आपको धमकी देने के पीछे का मकसद क्या है? हम उसके खिलाफ 17 तारीख को एक आवेदन दिए हैं 259/24 उसको उठाने के लिए कि जाके केस उठा लो नहीं तो तुमको 3 दिन के अंदर मार देंगे। मतलब हाँ बताइए, आपको धमकी क्यों दी है? हमने थाना में आवेदन 17 तारीख को दिया है, मेरी नाबालिग बहन को लेकर वो लोग फरार हैं, किडनैपिंग किया है तो आवेदन उठाने के लिए दबाव डाल रहा है वो लोग। आओ ना बुला देंगे, 2 दिन बाद आओ ना बुला देंगे, यही सब बोलते हैं। तो शराब माफिया है और थानाध्यक्ष महोदय से साठ गांठ है। कितने दिन हो गए आपके बहन वाले? 43 दिन हो गया है आज। 43 दिन जी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चला है। कुछ जी कुछ नहीं चला पता, और पुलिस इसमें आपको मदद नहीं कर रही जी, नहीं कर रही। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं हमको न्याय मिले जी, रिकवरी हो, जितना जल्द से जल्द रिकवरी हो। सिवान एसपी को भरोसा है जी? एकदम भरोसा है कप्तान साहब, एकदम भरोसा। अपना नाम बता दीजिए। नीरज कुमार राय, ग्राम खलवा, थाना नौतन, जिला सिवान, बिहार। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी, अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुमी बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।